लोग को सवालात करे, चूंकि ज़रूरी है कि इनकी भावनाएं, अगर इनकी फीलिंग जो ये सोचते हैं, अगर हमारे सिनेमा इंडस्ट्री तक के दर्शकों तक पहुंचे तो बड़ा फ़ायदा होने वाला है सिनेमा इंडस्ट्री का। तो अनंजय जी से कुछ सवालात किए जाए। जी, सबसे पहले तो साहिल को बहुत सारी बधाई है, और मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि साहिल से आज नहीं कल नहीं तकरीबन 15 साल पहले से हमारी रिलेशन है, हमारा रिलेशन है इसे। जब हम लोग थिएटर करते थे, नाटक करते थे, उस समय हमारा जूनियर हुआ करता था, और बड़ा अच्छा लगता है कि निर्देशक बने, डायरेक्टर बने, और वो भी सफल फिल्मों के, साली बड़ी सतावेली पार्ट टू बनाएंगे। हाँ, पार्ट टू भी बना रहे हैं जी। और ये जो फिल्म है ईमान, धर्म और चार तीन फिल्मों का और मुहूर्त है, हाँ, 11 Idiot, मेरे महबूब मेरे वतन। ओके, वाह, क्या टाइटल है, मेरे महबूब मेरे वतन। इसकी शूटिंग की बात की जाए तो कहाँ कहाँ होगी और ये कब तक दर्शक? देखिए, अब ये तो डायरेक्टर और मतलब प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे, आएंगे पहले हमारे दूल्हा लोगों से मिला जाए। और बस मेरी शुभकामनाएं हैं साहिल के साथ, क्योंकि हमारा बड़ा पुराना रिलेशन है, और ये सही बोले कि हम लोग साथ में थिएटर किए थे, साथ में हम लोग पटना से कितना 1999 जाइए साहिल। बड़े भैया के साथ खड़ा होना अपने आप को लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। शायद वो दिन भी आएगा कि अनंजय रघुराज हाथ लेके ये भी कहे कि मेरे साथ काम कर रहे हैं, एंड दैट्स वेरी नियर अबाउट। नहीं, काम तो किए ही हम लोग। प्यार बिना चैन कहाँ रे एक पहली फिल्म थी जिसमें एक्टर थे ये, और इनको बुलाया था, और हम ही को इन्होंने वहीं से सिनेमा समझ में आने लगी थी। खैर, थैंक यू सो मच अनंजय भैया। अनंजय भैया, जब आप ये बात कहते हो तो बड़ा गर्व होता है, और गर्व होता है कि हम साथ के थिएटर कलाकार जिसमें से एक सोमैन ऑफ सुभाष गए, सोमैन ऑफ भोजपुरी सिनेमा है, और हमारे बारे में ये कहता है कि हमारा जूनियर था, अच्छा कर रहा है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज आई एम वेरी हैप्पी टू प्रेजेंस ऑफ यू, दिल से धन्यवाद। और हमारे महाप्रभु हैं, हमारे मार्गदर्शक। ये भैया को छोटी छोटी चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, मेरी तमाम बुराइयां बर्दाश्त करते हैं और मेरे सिनेमा को बहुत बेहतर बनाते हैं, इनमें बहुत योगदान होता है। थैंक यू सो मच आप तमाम गलतियों को माफ करने के लिए, ऑलवेज माफ। पहले गलती तो करें आप, तो आप जरा इधर दूल्हा से आपकी मुहर का मुहूर्त है आज का, आपके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप हीरो? अरे भैया प्रणाम। नहीं, ये भोजपुरी के दिग्गज इस फिल्म में हैं और आप वर्क करेंगे, कितना क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी? अरे भोजपुरी के दिग्गज वहाँ अगर काम करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। सभी को सबसे पहले शुभम तिवारी का प्रणाम, और बड़ी खुशी की बात है आज यहाँ पर अनंजय जी आए हुए हैं, और इसके अलावा बहुत से लोग यहाँ पर हमारे भोजपुरी सिनेमा के आए हुए हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि रउआ लोग ऐजा आई नहीं और हमने के प्रोत्साहित कही नहीं, यह हमने खातिर बहुत बड़ा बात था। वैसे ईमान धर्म जी सिनेमा बा, ईमान धर्म जो सिनेमा भाई, ये एक बहुत ही साफ सुथरी, जैसे कि हम सिनेमा कर रही वैसा सिनेमा है ये, और काफ़ी बड़ा योगदान यहाँ पर साहिल सनी जी का है। हमने लास्ट फिल्म उनकी कंप्लीट की थी इलाहाबाद से इस्लामाबाद, और उसके बाद उन्होंने वापस मुझे चुना इस फिल्म के लिए, वन ऑफ द लीड रोल के लिए, हीरो के लिए। तो ये मेरे लिए खुशी की बात होती है, और हर एक्टर के लिए खुशी की बात होती है जब उसे कोई डायरेक्टर रिपीट करता है। जी, किरदार देखिए, किरदार के बारे में इसलिए हर वक्त मैं मना करता हूँ जब फिल्म का मुहूर्त होता है, तो क्योंकि ये डायरेक्टर की सोच होती है, वो उनका स्क्रिप्ट होता है, और हम वो स्क्रिप्ट को लीक नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इतना ही मैं कहूँगा कि इस फिल्म में मेरी हीरोइन किरण जी रहेंगी, जो अभी हमारी आने वाली फिल्म सरकारी लोखटिया जाड़ा लगे, ये फिल्म हमारी ऑन रिलीज है अभी, और उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो ओपी तिवारी जी हैं सरकारी लोखटिया के, और लकीली आज इस फिल्म में भी हमें आशीर्वाद देने यहाँ पर आए हैं, इस फिल्म से जुड़ गए हैं। इस फिल्म में भी सरकारी लोखटिया तो खटिया ही नहीं है, जी, ईमान से भैया ने धर्म से हम लोगों को सपोर्ट किया, हाँ, सपोर्ट किया है। दैट सिनेमा एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जी एंटरटेनमेंट, ऑलवेज वी वांट टू लव एंड सपोर्ट। मैं चाहूंगा जी, मैं चाहूंगा कि किरण जी के साथ ये मेरा सेकंड मौका है कि मैं परफॉर्म करूंगा उनके साथ, मैं चाहूंगा किरण जी भी ईमान धर्म के बारे में कुछ कहें। सबसे पहले तो मैं भोजपुरी के सभी ऑडियंस को और अपने ऑडियंस को मैं प्रणाम करना चाहती हूं, और मैं ईमान धर्म को बधाइयां देती हूं, इतनी अच्छी फिल्म बन रही है, और साहिल सनी जी के साथ मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही हूं, और शुभम जी के साथ मेरी जोड़ी है इस फिल्म में, और ये हम दूसरी बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो
ये तो काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इनके बारे में पहले ही सबको पता है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इसके बारे में तो अभी मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि ऑडियंस ये फिल्म जाके देखती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा भी आपके पास काफ़ी प्रोजेक्ट होंगे, अगर उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे। देखिए ऐसा होता है कि जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कभी नाम चेंज हो जाते हैं, कभी आर्टिस्ट चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए हम उसके बारे में भी डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन हमारे लिए एक चीज़ किरण जी बहुत खुशी की बात है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम के बाद साहिल जी थोड़ा सा आइए सर, थोड़ा आइए यहाँ पर। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस फिल्म के गीत संगीत संवाद ये सारे विनय भैया की है, विनय बिहारी जी, जो हमारे भोजपुरी सिनेमा को बहुत बहुत हद तक उन्होंने जीवित रखा है और आज भी उन्होंने भोजपुरी सिनेमा को बहुत कुछ दे रहे हैं। तो हम सबसे ज़्यादा आभारी वाकई विनय भैया के हैं और मेरा सौभाग्य है कि कानून हमरा मुट्ठी के बाद आज मुझे फिर से उनके साथ कानून हमरा मुट्ठी के बाद काम करने का मौका मिल रहा है। तो मैं साहिल जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी हस्ती के साथ फिर से एक बार मौका काम करने का हमें मौका मिल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक तरफ कैमरा मेरी तरफ मुड़े और जो शख्स मेरे बारे में इतना अच्छा खासा और खूबसूरत शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, आई एम रियली रियली थैंक्सफुल टू मिस्टर शुभम तिवारी ऑलवेज। मेरे लिए कलाकार अच्छा और बुरा होना मायने नहीं रखता, मायना ये रखता है कि वो इंसान कितना अच्छा और बुरा है। एंड रियली थैंक्सफुल, आज सरस्वती पूजा के विसर्जन का दिन है, माँ सरस्वती अगर हमें सुन रही होंगी तो ऑलवेज कलाकार अगर पैदा करे तो शुभम तिवारी जैसा हार्ट लेके पैदा करे दिल से। थैंक यू सर, थैंक यू सर जी। मैं इस फिल्म को सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं 20 साल से बॉम्बे रहता हूँ, भोजपुरी से मैं बहुत बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरा अचानक भोजपुरी की तरफ मन इसलिए किया आने का कि भोजपुरी में बहुत गंदगी फैल गई थी, बहुत भोजपुरी को लोग देखना नहीं चाहते हैं, लोग सुनना नहीं चाहते हैं। तो हमारे आने का मकसद, प्रोड्यूस करने का मकसद है किसी गंदगी साफ करें, अपनी भाषा को उतना सम्मान दिलाएं जितनी सब भाषाओं का। मेरा मेन मकसद है, मेरा मेन मकसद ये नहीं मैं आके इसमें पैसा कमाऊं। साहिल सन्नी ने भैया को कितना दिया, सपोर्ट कितना रहेगा इस फिल्म, सपोर्ट जितना चाहिए उतना रहेगा। ओके थैंक यू सो मच। एक कनक यादव है, सबसे पहले अपना नाम, अपना इंट्रोडक्शन के बाद में क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म से, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे मेरे बारे में आपको बताएंगे हमारे डायरेक्टर जी साहिल सन्नी जी। मैं सबके बारे में बताऊंगा लेकिन सबसे पहले इस सिनेमा के निर्माता मिस्टर सत्येंद्र तिवारी और अनिल यादव दिल का डायरेक्टर हूँ। मेरे जितने भी मित्र यहाँ भीड़ दिखाई दे रही है ये सब मुझे प्यार करते हैं और आज इस सिनेमा में दिनेश लाल यादव, खेसारी लाल यादव, कई सारे यादवों का प्रवेश हुआ। इकलौती हीरोइन यादव परिवार से मेरी नज़र में आई, अब तो बाद में काजल यादव भी आई, लेकिन ये हैं कनक यादव। इनकी अभी अभी रिसेंटली एक पिक्चर रिलीज हुई, दैट्स नेम इज़ रब्बा इश्क न होबे and that is the star of Kallu and Mittu Marshall. तो उस फिल्म में मैंने इनका अभिनय देखा, चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड में भी हूँ और उस फिल्म ने अच्छा व्यवसाय किया। उस पूरी फिल्म में अगर कोई नज़र आया तो मुझे लगा कि इस लड़की ने हमें प्रभावित किया है, तो क्यों ना हम जब भी फिल्म बनाएं। इत्तफाकन बड़ा जल्दी मौका मिल गया सत्येंद्र तिवारी जी और इन जी के साथ, तो ये हैं कनक यादव। प्लीज़ कनक जी क्या कहना चाहेंगे? पहली बार तो आप सबका थैंक यू जो आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आप लोग इतना टाइम निकाल कर और हर जगह जाते हैं तो ये आपका हार्ड वर्किंग है जिसको मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि हमारा रिपब्लिक डे भी आ रहा है। तो सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय ऑडियंस एंड पीपल्स एंड ऑन माय नेशंस, तो उन सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। और अभी हम बात करेंगे ईमान धर्म की। जिस तरह आप नाम भी देख रहे हैं ईमान धर्म, मतलब कि जो आपके धर्म और जो आपके दिल की सच्चाई जो होती है, जो ईमान से सच्चाई जो होती है, उसको इसमें दिखाया जाएगा। मैं उसमें आप देख सकते हैं मेरा पोस्टर भी है, मैं एज ए हीरोइन का इसमें किरदार निभा रही हूँ। हमारे जो निर्माता हैं सत्येंद्र तिवारी जी, इन्होंने मुझे उसके लिए चूज़ किया और थैंकफुल टू देम कि उनको लगा कि मैं इस फिल्म के काबिल हूँ, क्योंकि मैं भोजपुरी में अभी नई हूँ, मेरी एक ही फिल्म आई है एज अ अभिनेत्री एंड निर्मात्री रब्बा इश्क न होबे। सेकेंडली मुझे डायरेक्टली ये मिल गई, इसमें इतने अच्छे लोग हैं हमारे डायरेक्टर साहिल सन्नी जी, इनसे मेरी पहली बार बात हुई तो दिल के बहुत जॉली नेचर हैं और बेबाक हैं, मतलब जो बेवाक होता है उसके दिल में बहुत सच्चाई होती है, वो झूठ नहीं बोलता है कभी भी, आप कहीं पे भी बोल सकता है, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। सत्येंद्र तिवारी जी जो हैं हमारे निर्माता, बहुत ही ज़्यादा इनका जो कहने का तरीका है सधा हुआ है, मतलब एक ऑथेंटिसिटी दिखती है। और जो भी हमारी कास्ट है इसमें सारी, अनिल यादव जी भी हैं इसमें, मैं भी सॉरी मैं ज़्यादा किसी को यहाँ जानती नहीं हूँ इंडस्ट्री में, आपको बहुत अच्छी मिली। हाँ अवधेश जी हैं और हमारे देव सिंह जी हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, अनंजय जी हैं
जब सबका सपोर्ट अच्छा होता है, सबकी बेस्ट विशेस बहुत अच्छी होती है, तो ऑब्वियस ही बात है वो फिल्म अपनी ऊंचाइयां जरूर छूती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस फिल्म के निर्माता सत्येंद्र तिवारी और जय और बीरू की जोड़ी